हमीरपुर जिला में 11वां जनमंच कार्यक्रम 16 जून को भोरंज विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत झरलोक के अंतर्गत राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लदरौर के प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज करेंगे। जनमंच कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्र की 10 पंचायतों को शामिल किया जाएगा, जिसमें विभिन्न विभागों के माध्यम से प्री जनमंच गतिविधियों को चलाया जाएगा। हमीरपुर जिला में 11वें जनमंच कार्यक्रम को 16 जून को भोरंज विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत झरलोक में आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लदरौर के प्रांगण में आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज करेंगे। कार्यक्रम के दौरान 10 पंचायतों के बाशिंदों की शिकायतों को सुना जाएगा, जिसमें विभिन्न विभागों के माध्यम से प्री जनमंच गतिविधियों को चलाया जा रहा है। इस संबंध में उपायुक्त हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में हमीर भवन में बैठक आयोजन किया गया, जिसमें जिला के विभिन्न विभागों से आए अधिकारियों ने भाग लिया। उपायुक्त ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे क्लस्टर बनाकर उपरोक्त सभी पंचायतों में अपने अपने विभाग से संबंधित चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करें तथा लोगों की समस्याओं का मौके पर निवारण करें। उन्होंने कहा कि SDM दो पंचायतों का क्लस्टर बनाकर जन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निवारण करना सुनिश्चित करें। IPH विभाग उपरोक्त पंचायतों में लोगों की पेयजल समस्याओं का शीघ्र समाधान करें तथा लोगों को पेयजल का सदुपयोग करने के साथ साथ अपने विभाग से संबंधित योजनाओं की पूर्ण जानकारी भी उपलब्ध करवाए। उपायुक्त ने कहा कि कृषि विभाग अधिक से अधिक किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाए तथा किसानों को इसके फायदों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दे। वहीं ग्रामीण विकास राजस्व विभाग भी उपरोक्त पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करे तथा अपने अपने विभाग से संबंधित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाए, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। बैठक के दौरान अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम, AC2DC सुनैना शर्मा, SDM भोरंज राहुल चौहान के अलावा अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। आज जो जनमंच है खुली की मीटिंग की गई थी, दोस्तों के लिए जो डिस्ट्रिक्ट जोन का निवर्ड मेरा पहला जनमंच है, तो डिफरेंट प्लेसेस जो जनमंच का जो मोटो है, क्योंकि दो महीने के बीच में इलेक्शन दो तीन महीने में कैप आ गया था, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ जो जनमंच का उद्देश्य है, जो मोटो है, उसको लेके मीटिंग की गई थी। और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि जो 9 या 10 पंचायत हम लोग इसमें ले रहे हैं, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो भी ऑफिशियल्स थे उनको इंस्ट्रक्शंस दे गए थे कि अपना जो मोबिलिटी है, फील्ड विजिट है, लोगों के इश्यूज़ को वो बढ़ाएं, इश्यूज़ को एडजस्ट स्पोर्ट्स सॉल्व करें, क्योंकि जनमंच में जो 15 दिन का पीरियड होता है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पीरियड होता है, तो उसको यूटिलाइज करें। उस चीज़ को लेकर मीटिंग की, और इसको मैंने SDM को बोला है कि 2-3 पंचायत को क्लस्टर में लेके SDM भी अपनी चेयरमैनशिप में कैंप्स ऑर्गेनाइज करें, उसमें सारे डिपार्टमेंट्स को बुलाएं, जो नीचे के पंचायत के हैं या हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं या चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं, वो विलेज टू विलेज विजिट करें। और जनमंच में न केवल शिकायतें या इश्यूज डिफेंसेज हैं, उसके अलावा भी जो भी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर होती हैं, क्योंकि ग्राउंड पे जाने से आइडियाज आते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कन्वर्स करते हैं, तो उसमें पॉसिबिलिटीज भी फाइंड आउट करें। तो उस चीज़ को लेकर मीटिंग की गई थी वायरस से, हम लोग उस डिपार्टमेंट से किस तरह से एक्शन लेते हैं। चुनाव के बाद में डेट 16 जून को शेड्यूल किया गया था, वैसे तो हमने एक्टिविटी तो स्टार्ट कर दी थी, बट बीच में लोगों को डिपार्टमेंट्स को रिव्यू करने के लिए मीटिंग की, तो उसमें माननीय उपाध्यक्ष जी उसमें आएंगे। वक्त हो चले छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।